मैं बीच में एक बार अपने घर जाकर कलकत्ता लौटी तो राधा रानी के लिए एक जोड़ी शंख की चूड़ी ले आई। जब उसे वह चूड़ी पहनाने लगी तो देखती हूं कि वह नाप में बहुत छोटी है, उसके हाथ में किसी तरह घुस ही नहीं रही है। इसके कारण राधू एकदम से रोने लगी। मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा, इतने साध से ले आई पर राधू के हाथों में पहना न सकी। नलिनी दीदी, सरला दीदी, राधू और मैं धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रही थी कि इसी समय मां पूजा गृह से राधू को पुकार कर बोली, तुम लोग सभी यहां आओ। हम लोगों के जाने पर वे बोली, क्या हुआ? तब राधू रोती हुई बोली, दीदी मेरे लिए इतनी सुंदर शंख की चूड़ी लाई हैं, लेकिन वह चूड़ी मेरे हाथों में नहीं जा रही है, छोटी है। तुरंत मां ने कहा, तुम लोगों की यह कैसी बात? बहू शंख की चूड़ी लाए और वह हाथ में अटे नहीं? उसे लेकर पहले ही मेरे पास आना था। लाओ तो देखूं कैसे नहीं अटता। यह कहकर 5 मिनट में ही मां ने राधू के हाथों में वह चूड़ी पहना दी। हम सब आश्चर्य में भर गए। आंखों में आंसू लिए ही राधू हंसने लगी। मां ने कहा, सुंदर चूड़ी पहनी हो, ठाकुर को प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो और बहू को प्रणाम करो। उनके इतना कहते ही मेरी छाती धुक धुक करने लगी। सोचने लगी, मेरा घर द्वार कहां, मैं किस जाति की लड़की और मेरे कौन कौन है? ये सब बातें मां ने किसी दिन पूछा नहीं। मैं मां से बोली, मां, मैं तो कायस्थ की लड़की हूं, राधु मुझे क्यों प्रणाम करेगी? मां दांतों में जीभ दबाकर बोली, यह सब नहीं कहते। क्या मैं नहीं जानती कि तुम कायस्थ हो या ब्राह्मण? इतने दिन से तुम यहां हो, अब भी क्या तुम कायस्थ ही रही? यह कहकर मां ने राधु से कहा, जाओ अपनी दीदी को प्रणाम करो। राधु ने तुरंत ठाकुर और मां को प्रणाम कर मुझे प्रणाम किया। मैंने भी राधु को प्रणाम किया। मां खूब हंसने लगी, बोली, प्रणाम लौटा दिया? लेकिन मैं यह सब न समझकर अवाक रह गई। एक दिन राधु, नलिनी दीदी आदि सभी ने व्यग्र होकर मुझसे पूछा, मेरा घर कहाँ है, मैं किस जाति की हूं तथा मेरे कौन कौन हैं, यह सब बताना होगा। लेकिन मैं किसी भी तरह यह सब बताने को राजी नहीं हुई। उस दिन भी मां ने उन लोगों को बुलाकर कहा, तुम लोग क्यों बहू को इतना सता रही हो? तुम लोग मेरे पास आओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। सभी लोग दौड़ी आईं, मैं भी साथ साथ आई। मैं सोचने लगी कि मां ने तो यह सब बातें एक दिन भी मुझसे नहीं पूछी। आज क्या कहती हैं, मैं भी सुनूंगी। वे सब कहने लगी, शिरोद दीदी इतने दिनों से यहां है, लेकिन उनका घर कहां है, वह किस जाति की हैं, उनका कौन कौन है, वह सब कुछ भी उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया है। आज हम लोगों ने इतना कहा फिर भी नहीं बताया। मां ने कहा, मैं सब बता सकती हूं। उसका जन्मस्थान
संतरे के प्रदेश में है, ससुराल दूसरे जिले में है। वह चंद्रकांत की बहुत करीब की संबंधी है। उसका कोई नहीं, मां भी नहीं, पर भाई है। यह कहकर मां ने मुझसे पूछा, मैंने ठीक कहा है तो बहू? मां की बात के साथ साथ मेरे मुख से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। अंतर्यामिनी ने समझ लिया कि मेरे मां की बात उठते ही मैंने दुख से निश्वास लिया है। मां ने तुरंत कहा, आहा, तुम्हारी मां की बात कहने से ही तुम्हें दुख हुआ है ना बहू? तुम्हारी गर्भधारिणी यदि जीवित रहती तब भी क्या कर सकती थी? केवल तुम्हारा दुख ही तो देखती। मेरी जैसी मां को पाकर भी क्या तुम्हें मां का अभाव खल रहा है? यह बात सुनकर मैं आनंद से रोने लगी। नलिनी दीदी इत्यादि से मां ने कहा, और क्या जानना चाहती हो? उन लोगों ने कहा, वह किस जाति की है? मां ने कहा, वह सब मैं नहीं कहूंगी, वे सब भक्त हैं, भक्तों की एक जाति। मैं मां की बात सुनकर आनंद से अधीर हो गई, मुख से कुछ नहीं कह सकी। काली पूजा के दिन शाम को मैं श्री श्री मां का दर्शन करने गई। उस दिन मां के घर पर बहुत भीड़ थी। रास्ते में मैं 8 आने में 5 चंपा के फूल खरीद कर ले गई थी। बड़े कष्ट से मैंने वे फूल मां के चरणों में चढ़ाए। मां ने कहा, आज बहुत भीड़ है, यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम सुधीरा के साथ मुलाकात करके गौरदासी के पास चली जाओ, उसके साथ बातचीत करके घर लौट जाना। यह बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मां का ऐसा आदेश तो मैंने कभी नहीं पाया था। मैंने कहा, भाड़ा गाड़ी से जाऊं या पैदल जाऊं? मां ने कहा, पैदल जाना, अकेले ही जाना, सब समय क्या तुम बच्ची ही बनी रहोगी? जाओ फिर आना। तुरंत मां का नाम लेकर बिना कुछ सोचे बिचारे मैं बाहर निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते मैं आसानी से सुधीरा दीदी के स्कूल पहुंच गई। सुधीरा दीदी मुझे देखकर एकदम अवाक रह गईं। उन्होंने कहा, रात में तुम कैसे चली आई, क्यों आई हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि क्यों आई हूं, मां ने यहां आने को कहा, इसीलिए आई हूं। यह सुनकर सुधीरा दीदी ने अपने स्कूल की लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम लोग पढ़ना लिखना बंद कर यहां आओ, क्षीरोद दीदी मां के पास से यहां आई हैं, आकर इनसे मिलो। सारी लड़कियां आकर मुझे घेर कर खड़ी हो गईं। मां की आज्ञा से मुझे शारदेश्वरी आश्रम जाना होगा। यह कहकर मैंने रवाना होना चाहा। सुधीरा दीदी बोली, अकेले ही जाओगी? मैंने कहा, अकेले ही जाने का आदेश है। मैं रवाना हुई। मेरे साथ उस बोर्डिंग के बाहर के कमरे में रहने वाले एक सज्जन मेरे पीछे पीछे चले। उनके साथ मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन वे मेरे साथ चल रहे हैं। यह देखकर मेरी छाती धक धक करने लगी। गौरी मां जैसी कठोर प्रकृति की हैं, वे इस व्यक्ति को मेरे साथ देखकर
मुझे डांटेगी। मैंने उन सज्जन से कोई बातचीत नहीं की। शारदेश्वरी आश्रम के फाटक पर पहुंचकर मैंने दरबान से कहा, माता जी को बुलाओ, कहना बाग बाजार से मां के यहां से एक लड़की आकर आपसे मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद ही गौरी मां एक हाथ में घी का प्रदीप और एक हाथ में धुने के पात्र में धूप जलाकर नीचे उतरी। मेरे प्रणाम करने पर वे बोली, आज मैं क्या तुम्हारा प्रणाम ले सकती हूं? उन्होंने किसी तरह भी प्रणाम नहीं स्वीकार किया। गौरी मां बहुत देर तक मेरे मुंह के पास धुने के पात्र से आरती की तरह करने लगी। मैं अवाक रह गई। ऐसा करने के बाद ही पूर्वोक्त सज्जन उन्हें प्रणाम करने गए। तुरंत ही गौरी मां का चेहरा बदल गया। उन सज्जन से उन्होंने पूछा, कहां से आए हो? तुम्हारा घर कहां है? यहां क्यों आए हो? उन्होंने मुझे दिखाकर कहा, ये सुधीरा बसु के पास गई थी और वहां से यहां आएगी। यह सुनकर मैंने सोचा कि मैंने तो आपको देखा नहीं है, इनके साथ आने से आपको देख सकूंगा, इसीलिए आया हूं। गौरी मां ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उनके नाम बताने पर मैं उन्हें पहचान गई। मैंने केवल उनका नाम सुना था। गौरी मां ने कहा, पहचान गई, तुम्हारा घर सिलहट में है। लेकिन गौरी मां तो पर्दा नशीन नहीं है जो उन्हें देखने के लिए यहां आना होगा। साधु देखना हो तो बेलुड़ मठ जाओ, स्त्री साधु को क्या देखोगे? उन सज्जन ने कहा, लगता है रविवार को आने पर आपके साथ बातें हो सकेंगी। गौरी मां ने कहा, नहीं नहीं, यहां मेरी सब लड़कियां रहती हैं, यहां मुलाकात नहीं होगी। इतना कहते ही वे सज्जन प्रणाम करके चले गए। तब गौरी मां मेरी ओर मुड़कर बोली, मां को तुम क्या सोचती हो? मां क्या केवल कैलाशेश्वरी हैं? उन्हें मनुष्य मत समझना। मां जगत गुरु हैं, विश्व जननी हैं। उन्हें तुमने गुरु रूप में स्वीकार किया है, अब चिंता क्या है? उसके बाद प्रायः 2 घंटे तक वे मां और ठाकुर के संबंध में बोलने लगी। मैं जिस तरह दरवाजे पर खड़ी थी वैसी ही खड़ी रही। गौरी मां भी खड़ी होकर बातें करती रही। अचानक गौरी मां मुझे पकड़कर बोली, चलो मां की पूजा करने चलें। मैंने कहा, बाग बाजार दोबारा जाने का मुझे आदेश नहीं है, रात अधिक हो चली है, बाद में मैं किस तरह जाऊंगी? गौरी मां ने कहा, चलो मैं मां से कहूंगी। मैं गौरी मां के साथ चली। 2 छोटी लड़कियों को भी उन्होंने साथ ले लिया। एक हाथ में फूल बेलपत्ता आदि था और दूसरे हाथ में फल मिठाई। गौरी मां के हाथ में एक कमंडल था। रास्ते के दोनों ओर लोग अवाक होकर उन्हें देख रहे थे। मां के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने सुना, मां कह रही हैं, यह देखो गौरदासी आ गई रास्ते को गुलजार करके। वहां जाकर मैंने समझा
कि गौरी मां की पूजा ही आज के दिन मां की आखिरी पूजा है और सब लोग पूजा कर चुके हैं। गौरी मां ने काली पूजा के समान से ही बहुत देर तक मां की पूजा की। वह पूजा मानो देखने की वस्तु थी। बाद में सब लोगों ने प्रसाद पाया। गौरी मां ने कहा, क्षीरोद को मैं दोबारा यहां लेती आई। वह कह रही थी, तुम्हारा आदेश नहीं है। मैंने कहा, मां से मैं कह दूंगी। मां ने कहा, ठीक किया। उस दिन मैं मां के घर पर ही रही। वह रात कितने आनंद से व्यतीत हुई, यह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मेरे विधवा होने के एक वर्ष पहले एक दिन मैं बहुत से पपीते काटकर सब्जी बना रही थी। उसी पपीते का रस हाथ में लगने से बहुत जोरों से खुजली होने लगी और उंगलियां फूलकर कुछ घंटों के भीतर ही फट गईं और ऐसा भयंकर घाव हाथ में हो गया कि बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। वह घाव 12 वर्षों तक बना रहा। चम्मच से खाना खाती, बीच बीच में कष्ट थोड़ा कम होता, पर जब अधिक हो जाता तब हाथ में पानी डालने से मांस तक सड़ जाता था। श्री श्री मां के पास मैं एक साल से आ रही थी, लेकिन एक दिन भी मैंने मां को हाथ नहीं दिखाया था। मैंने सोचा था, अपने इस अनित्य देह की बात मां से नहीं कहूंगी। इस भयंकर रोग को देखकर मां के शरीर का कोई नुकसान न हो, इसीलिए मैंने मां से अपने इस रोग को खूब छुपा कर रखा था। जब रोग अधिक बढ़ जाता तो मैं मां के पास नहीं जाती थी। एक दिन उस भयंकर घाव को लेकर ही मैं चली गई। वहां जाकर मैंने मां को प्रणाम नहीं किया, ताकि प्रणाम करके उनके पैरों की रज लेते समय मां कहीं पकड़ न ले। इसी चिंता में मैं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। इसी समय देखा कि एक विधवा लड़की ने मां को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेटकर उनके पैरों की धूली ली। यह देखकर मेरे मन में खूब आनंद हुआ। मैंने भी मां को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेटकर उनके पैरों की धूली ली। प्रणाम के साथ साथ मां अत्यंत आश्चर्य से बोली, बहु, हाथ में कपड़ा लपेटकर पैरों की धूली क्यों ली? तुम्हारे हाथ में क्या कोई रोग है? तब मैं बड़ी विपत्ति में पड़ी। छाती धड़कने लगी। सोचा, वे तो उस लड़की से भी ऐसा कह सकती थी, उसे ना कहकर मां ने मुझसे ही कहा। इस तरह क्यों पैरों की धूली ली? मैंने कहा, हाथ में कष्ट है। मां ने फिर कहा, देखूं? हाथ देखकर मां इस तरह दुख प्रकट करने लगी कि मैं अवाक रह गई। मां ने कहा, आहा बेटी, तुम यहां इतने दिनों से आ रही हो और तुम्हारे हाथ में ऐसा रोग? मैं तुम लोगों की मां हूं और मुझे पता नहीं मेरी बच्ची इतने कष्ट में है? कितने दिनों से यह रोग हुआ है और कैसे हुआ? पूछने पर मैंने सारी बातें बताई।
मां ने कहा, बेटी आजकल मैं ऐसी ही हो गई हूं कि अपने में ही डूबी रहती हूं। तुम लोगों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हूं। इसी हाथ से तुम ठाकुर की पूजा करती हो, इसीलिए ही रोग लगा हुआ है। जो भी हो, मेरे साथ आओ। ठाकुर पूजा का निर्माल्य और चरणामृत गंगा में बहाने के लिए अभी ले जाएंगे, जल्दी से आओ। मैं मां के साथ दूसरे कमरे में गई। मां ने कहा, वह देखो, कमंडल में वह सब है, पूरा हाथ उसमें डुबा दो। मैंने ऐसा ही किया। मां ने कहा, अब हाथ में रोग नहीं रहेगा, फिर भी मछली मांस, लहसुन प्याज आदि को जितना बन सके हाथ से मत छूना। पर यह सब बिना छुए भी तो नहीं रह सकती, वह सब छुआने से रोग थोड़ा उभर सकता है। ठाकुर की पूजा तो रोज ही करना, थोड़ा भी घाव उभरने से ठाकुर का चरणामृत लगाना, उससे ही रोग दूर हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन पपीता काटा था उस दिन क्या तुमने नख काटा था? मैंने कहा, याद नहीं है। मां ने कहा, नख कटा था और पपीते का रस भी लगा था, दोनों के मिलने से ही यह सब हुआ है। शाम को अन्य स्त्रियों से मां ने कहा, अजी, तुम सबसे मैं कह रही हूं, तुम लोगों के पति पुत्र और तुम लोग खुद भी नाई की नरहनी से नाखून मत काटना, इससे बहुत सी खराब बीमारी हो सकती है। यह देखो, बहू के हाथ में ऐसा हो गया है। निश्चय ही ठाकुर की इच्छा से अब यह नहीं रहेगा। उस दिन मां ने एक साथ बैठने, खाने, एक बिस्तर पर दो लोगों के सोने, एक के कपड़े गमछे का दूसरे के द्वारा व्यवहार करने पर कितना दोष होता है तथा किस तरह एक व्यक्ति के शरीर का अच्छा या बुरा गुण दूसरे के शरीर में जाता है, यह सब बताया। आश्चर्य की बात, मेरा जीवन यापन किस तरह हो रहा है। जहां मैं रहती हूं वहां बाध्य होकर मुझे मांस मछली भी पकाना पड़ता है। मैंने यह सब बातें मां को कभी नहीं बताई थी, पर मां ने कहा, वह सब किए बिना तो काम नहीं चलेगा। करने से जब हाथ में रोग उभरेगा तो ठाकुर का चरणामृत लगाने से ठीक हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, जिस दिन मैंने चरणामृत में हाथ डुबाया उसके दूसरे दिन से मानो जीवन भर के लिए वह ठीक हो गया। लेकिन मांस मछली इत्यादि छूते ही हाथ में फुड़िया निकल जाती और ठाकुर का चरणामृत लगाते ही एक घंटे बाद देखती कि कहीं कुछ नहीं है। इस रोग के दूर होने के बाद ही मैंने मां से कहा था, मां, देह की व्याधि दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम इतना ही करके मुझे विदा नहीं दे सकोगी। मां ने हंसकर कहा, बेटी, तुम लोगों का शरीर जो है वह मेरा ही शरीर है। तुम लोगों का शरीर ठीक नहीं रहने पर मुझे कष्ट होता है, मैं मां जो हूं। मेरा संकल्प था कि दैहिक या आर्थिक अथवा अन्य किसी विषय में मुंह से तो क्या, मन से भी मां से कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे भय था
कि क्या पता कहीं मां मुझे यही सब देकर विदा ना कर दे। साधन भजन से कुछ हो रहा है कि नहीं समझ नहीं पा रही हूं। कहने पर मां कहती, मैं गुरु हूं, हो रहा है या नहीं मैं जानती हूं। तुम भला कैसे समझोगी? सब होगा, सब होगा। भजन में बाधाएं बाहर की अधिक नहीं रहती, अंदर की ही रहती हैं। वे सब ठाकुर का नाम करते रहने से और ध्यान धारणा करते रहने से एक एक करके सब दूर हो जाएंगी। काम किए जाओ, बाधाएं रही कि गई उधर मत देखो। मां ने कहा, जैसे नारियल के वृक्ष की शाखा समय होने पर अपने आप गिर जाती हैं, पर समय ना होने पर उसे निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह समय होने पर सब हो जाएगा। यह पूछने पर कि उनके जप और ध्यान में डूब जाने की अवस्था क्यों नहीं आ रही है, मां ने कहा, सब तो कर रही हो, सब तो हो रहा है। जिस उम्र में विधवा होकर जिस तरह यहां आ पहुंची हो, बेटी वही यथेष्ट है। तुम्हें अधिक कुछ नहीं करना होगा, दिन में दो बार ठाकुर को प्रणाम करने से ही होगा। मनुष्य की एक चीज अगर ठीक रहे तो और कुछ आवश्यकता नहीं होती, अपने आप तुम्हारा सब हो जाएगा।